हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के शो में बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू KTM ड्यूक 200 के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। दोस्तों, ड्यूक 200 के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को ड्यूक 200 के एडवांटेज के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बाइक के डिसएडवांटेज के बारे में बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप दोस्तों आप KTM ड्यूक 200 को लेने की सोच रहे हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि लूँ या ना लूँ, क्या क्या बाइक में एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों की ये जो वीडियो है पूरी देखनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं ड्यूक 200 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में, कि ये बाइक आपको क्या प्राइस देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली बात है भाई, कोई भी चीज़ खरीदने वाले खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि भाई हमारे पास पैसा कितना है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, KTM ड्यूक 200 एक्सट्रीम प्राइस अराउंड 1,92,000, 1,92,000 रुपये के आसपास की आपको ये बाइक एक्सट्रीम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर लें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्ज से फ़र्क होता है। दोस्तों, ड्यूक 200 हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस अराउंड 2,25,000, 2,25,000 रुपये के आसपास की आपको ये बाइक ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। बाकी दोस्तों, आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस बाइक के सबसे पहले एडवांटेज के बारे में। दोस्तों, ड्यूक 200 में आपको सबसे पहला जो एडवांटेज देखने को मिलता है, वो मिलता है दोस्तों इस बाइक की पावर। अब ऑब्वियसली बात है दोस्तों, इंडियन मार्केट में अगर आप कोई भी बाइक देख लें 200 सेगमेंट की, खासकर 200 सीसी की, यानी कि ड्यूक 200 के सेगमेंट की, तो ड्यूक 200 अपने सेगमेंट की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक है। जी दोस्तों, ड्यूक 200 से ज़्यादा कोई पावरफुल बाइक आपको 200 सेगमेंट में इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, ये बाइक का सबसे बड़ा आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक ले रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये तो रहेगा ही नहीं कि भाई की बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है। सो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ड्यूक 200 जो है 25 PS के आसपास की पावर जनरेट करती है, 25 BHP की। कोई ड्यूक 200 बाइक इतनी पावर जो है जनरेट नहीं करती, तो ये है दोस्तों बाइक में आपको सबसे पहले जो पावर है वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। बात करें दोस्तों बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में दोस्तों, तो है इस बाइक का लुक। अब ऑब्वियसली बात है, कोई भी बाइक ले रहे हैं, खासकर एक स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक, तो हम ये भी देखते हैं कि भाई वो बाइक दिखती कैसी है। सो दोस्तों, अगर लुकिंग के बारे में बात करें तो मुझे लगता है दोस्तों, ड्यूक 200 लुकिंग वाइज भी ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, अपनी सेगमेंट की वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट लुकिंग बाइक्स में से एक आती है KTM ड्यूक 200। बाकी दोस्तों, आप लोगों को दिखने में ये बाइक कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों, लुकिंग वाइज में इससे बेहतर बाइक आपको इस सेगमेंट में नहीं मिलेगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है इस बाइक को ख़रीदने का, जो कि मुझे लगता है दोस्तों और कोई बाइक आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। बाकी आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को ड्यूक 200 का जो लुक है वो कैसा लगता है। मेरे हिसाब से दोस्तों, लुकिंग वाइज में ये बाइक बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक का इंजन। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, KTM ड्यूक 200 में आप लोगों को जो इंजन देखने को मिलता है वो बहुत बेहतरीन इंजन देखने को मिलता है। दोस्तों, ड्यूक 200 एक लौती ऐसी बाइक है इंडियन मार्केट की, जिसमें आप लोगों को DOSC यानी कि डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट जो इंजन है वो आपको बाइक में देखने को मिलता है, वरना किसी और बाइक में आप लोगों को 200 सेगमेंट में DOSC जो इंजन है वो नहीं मिलता। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज आपको KTM ड्यूक 200 में देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताना कि भाई अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से कोई और एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, तो वह दोस्तों इस बाइक के सस्पेंशन। अब आपको पता ही दोस्तों कि KTM ड्यूक 200 में जो सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, मुझे लगता है वो अपनी सेगमेंट के वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन आपको ड्यूक में मिलेंगे। इसमें आपको फ्रंट में 43mm के अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, बहुत सस्पेंशन, एक तो USD ऊपर से बहुत बड़े साइज़ में है ना। तो दोस्तों, कोई और बाइक नहीं है इंडियन मार्केट में जिसमें आप लोगों को इतने बेहतर जो सस्पेंशन है वो देखने को मिले, तो इस वजह से भी दोस्तों KTM ड्यूक 200 को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि सस्पेंशन के मामले में भी ड्यूक 200 बहुत बेहतरीन बाइक जो है आपको देखने को मिल रही है। बात करें इस बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक का कंफर्ट। अब आपको पता ही दोस्तों, KTM जो ड्यूक 200 है वो एक नेकेड स्पोर्ट बाइक है। अब भाई, नेकेड स्पोर्ट बाइक अगर आप ले रहे हैं तो आई थिंक दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कंफर्ट।
दोस्तों आपको बताना चाहूँगा KTM जो ड्यूक 200 है ना, काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट बाइक है। अगर आप इस बाइक को 200 से 300 किलोमीटर भी कंटिन्यू चलाते तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि दोस्तों आप इस बाइक को खरीद सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है। अगर आप लॉन्ग टूर में जाते हैं, लॉन्ग टूर करना आपको पसंद है, तो एक ड्यूक 200 आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बात करें दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक की ब्रेकिंग। अब आपको पता ही दोस्तों, अगर हमारी बाइक में परफॉर्मेंस है, पावर है, तो भैया साथ में ब्रेकिंग भी तो होना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, KTM ड्यूक 200 में आप लोगों को जो ब्रेकिंग देखने को मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है। ड्यूक 200 में आप लोगों को डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। प्लस दोस्तों बाइक की जो प्लेट साइज है फ्रंट की, वो भी बहुत बड़ी है, कि बाइक में दोस्तों आप लोगों को 300 mm की प्लेट देखने को मिलती है। प्लस आपको बाइक में फ्रंट में 4 पिस्टन कैलिपर्स देखने को मिलते हैं। इस वजह से भी दोस्तों जो है ड्यूक 200 की जो ब्रेकिंग है वो आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलती है, और ये भी एक बहुत बड़ा आपको एडवांटेज जो है ड्यूक 200 में देखने को मिल जाता है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक के फीचर्स। अब देखिए, भले आप लोगों को KTM ड्यूक 200 में जो मतलब स्पीडोमीटर देखने को मिलता है वो काफ़ी बेसिक्स, यानी कि फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, ना तो TFT है, ना तो आपको इसमें LCD पैनल देखने को मिलता है। बट फिर भी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि KTM ड्यूक 200 का जो स्पीडोमीटर में आपको जो फीचर्स मिलते हैं ना, वो फीचर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। फीचर्स की कोई कमी नहीं है, लाइक स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर, सारी चीज़ें जो आपको KTM ड्यूक 200 में देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है दोस्तों इस रीज़न से भी KTM ड्यूक 200 को काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद किया जाता है। बाकी आप ज़रूर कमेंट करना भैया कि आप क्यों इस बाइक को पसंद करेंगे और इस बाइक को क्यों लेना चाहेंगे। बात कर लें नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में दोस्तों, तो इस बाइक का मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ड्यूक 200 का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, बट मैं इस बात को उनकी जो है भाई नहीं मानता, क्योंकि यार मुझे लगता है कि KTM की जो बाइक्स हैं उनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा भी देखने को नहीं मिलता। मुझे लगता है दोस्तों काफ़ी अच्छी बाइक है KTM, और मेंटेनेंस कॉस्ट में मुझे लगता है कि भाई ये ओवरऑल ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, और जिस हिसाब से ये बाइक है उस हिसाब से मेंटेनेंस कॉस्ट भी इस बाइक का मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। बाकी आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि अगर आपको लगता है ज़्यादा है। बात करें इस बाइक के नेक्स्ट एंड लास्ट एडवांटेज के बारे में, तो दोस्तों इस बाइक का फीडबैक। अब ऑब्वियसली बात है भाई, कोई भी बाइक खरीद रहे तो फीडबैक के बारे में भी ज़रूर सोचते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस बाइक का जो फीडबैक है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जिससे अगर आप 10 लोग से पूछेंगे तो आपको वो यही बोलेंगे कि अगर भाई आप KTM ड्यूक 200 ले रहे हैं तो बिल्कुल आप इस बाइक के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है और हमें भी लगता है कि ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये था दोस्तों बाइक का कंप्लीट एडवांटेज। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बाइक के डिसएडवांटेज के बारे में। बाइक में आपको कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेगा। दोस्तों ड्यूक 200 में आपको सबसे पहला जो डिसएडवांटेज देखने को मिलता है वो लगता है मुझे इस बाइक की लाइट्स। अब ऑब्वियसली बात है दोस्तों, इंडियन मार्केट में आपको बताया कि भाई ड्यूक 200 एक बहुत अच्छी बाइक है, और इतनी बेहतर बाइक होने के बाद भी आप लोगों को बाइक में जो मतलब लाइट्स है वो आपको हेलोजन देखने को मिलती, जो मुझे लगता है दोस्तों इस बाइक का काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है। KTM को भाई इस चीज़ में जो है अपडेट करना चाहिए, जो कि इस बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रखता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक की डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में ऐसा है कि इस बाइक में आपको जो मीटर मिलता है उसमें फीचर्स तो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें आप लोगों को भाई अब मेरे हिसाब से LCD या TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो KTM को शायद इस चीज़ में भी जो है अपडेट करना चाहिए, और ये भी बाइक का आपको काफ़ी बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो देखने को मिल जाता है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं कि भाई ड्यूक 200 में जो है डिस्प्ले कब आएगा LCD पैनल। बात कर लें इस बाइक के नेक्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक का हीटिंग इशू। अब दोस्तों KTM का जो हीटिंग इशू है भाई वो शुरू से रहा है। KTM की बाइक देखिए पावर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करती है, बट हीटिंग भी थोड़ा सा हमें फेस करना पड़ता है। तो आप भाई आपको ऑब्वियसली बात है इतनी हाई कंप्रेशन इंजन मिल रहा है तो थोड़ा सा हीटिंग इशू जो है आपको फेस करना पड़ेगा, बट ये है कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा जो डिसएडवांटेज ये भी हमें देखने को मिल जाता है। बाकी ये था दोस्तों बाइक का कंप्लीट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। बाकी अगर आप लोग को लगता है कि मैंने कुछ भूला है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।